हाँ भाई, हर रोज की तरह सूफी संत शेख फरीद की बाणी थोड़े अगे रखी है। मैं पहले दिन दस्या सी के इस बाणी ते मैं रोज सत्संग करूंगा। सूफी का मतबल साफ दिल, जिथे नाम ही नाम होवे, किसी दे वास्ते दिल विच नफरत ना होवे, क्योंकि सब दे अंदर परमात्मा बैठा है। फरीद साहब की जिंदगी काफी तजर्बे नाल गुजरी, भजन व्यास दे विच रहा। पहला आप नूं शब्द नाम का रस्ता नहीं सीगा, काफी जंगलों के अंदर आप भटकता रहा है। एक दिन आप जंगल दे विचों आ रहा सीगा और काफी भुख लगी हुई सी। आपने एक जगह अगे जिक्र करनगे, फरीदा मौतो भुख बुरी, राती सुता खा के तड़के फेर खड़ी। ये मौत तो बुरी है, सुबह खाने है शाम नू पेट मंगदा है, शाम नू खाने है सुबह फिर मंगदा है। रस्ते दे विच एक आदमी कोई खरबूजे खा के तुरै जांदा सीगा, उत्थे उहदे छिलड़ चुक के फरीद ने खा ले, क्योंकि पेट अंदर काफी भुख सीगी। इतने वो आदमी जिहड़ा उत्थे खरबूजे खा के गया सी वह भी आ गया। वह कहन लगा भी मेरा चाकू गिर गया है, तैं उठाया है। उन्हें काफी उसके अगे कहा भी भरावा, मैं छिलड़ तो जरूर खा ले है, पर मैं चाकू तेरा ना देखा ना चक्या है। अगर मैं देखा भी हुंदा तैनू दस दिंदा, लेकिन जब किसी ने हंकार दिखाना है और जबरदस्ती करनी है, थानू पता है उस दे अगे जितना मर्जी तुसी अपनी सफाई दो, अच्छे बन के दिखाओ, उन्हें वो बात सुननी नहीं। फरीद नूं उन्हें मारिया कुटिया, वो हसी गया। वो कहन लग्या भी मैं तेनूं मारदा है, तू क्यों हसदा है। वो कहन लग्या देख भई, जिन्नियां खुशियां माणियां तेते लगे रोग, छिल्लां कारण मार गया ते फल काहे क्या हो। मैं इस वास्ते हसदा है कि मैं तां भई प्यारे छिल्लां ही खादियां हन, फल खाण दे नाल पता नहीं कितनी क मार पेगी या की होएगा। तो फरीद साहब अज आपकी बाणी के अंदर जिक्र करते हैं कि बंदा इतना तप करे, अभ्यास करे, जिदे करके उहदे तन दे विच रत ना रहे। अगर चीरे कोई तो पानी निकले, लेकिन इसे सवाल नूं गुरु अमरदेव जी दे अगे कुछ सिखां ने रखिया कि जी फरीद दी बाणी दे अंदर इस तरह लिखिया है भई इतना तप करे और उहदे विचों चीरे तो भी खून ना निकले, पानी निकले, कि ये ठीक है या इहदे अंदर कोई कमी पेशी है। गुरु अमरदेव जी महाराज ने फरीद नूं निंदिया नहीं, बड़े प्रेम प्यार दे नाल उन्हां सेवकां नूं समझाया कि देखो भई रथ तो बगैर तन नहीं हो सकता, खून तो बगैर तन हो ही नहीं सकता गा। जो परमात्मा की भगती तप करते हैं उन्हां दे अंदर लोभ की रथ नहीं रहिंदी गी, क्योंकि उन्होंने परमात्मा का डर लग्या रहिंदा है, मौत का डर रहिंदा है कि सानू भी हिसाब किताब देना पड़ेगा। इस वास्ते
उन्हां दे अंदर लोभ दी रत खत्म हो जाती है, जिस तरह सोना अग दा ता सह के शुद्ध हो जाता है, इस तरह उन्हां दा भी खून जिहड़ा है वह शुद्ध हो जाता है। और आपने एक बड़ी अच्छी साखी कहानी सुनाई कि एक रिखी जिसका नाम कमुंक लिखा होया है जंगल दे विच तप करता सीगा, जब अपने अभ्यास तो उठाया उसके पैर विच कांटा चुभ गया, उसने वो कांटा निकालिया लेकिन खून ना निकलिया क्योंकि सारी जिंदगी तप अभ्यास दे विच रहा सीगा। वो इस खुशी दे विच निरत करन लग पिया, इन्नी खुशी उन्हूं होई कि जिहड़े पशु पंछी सी उहदे नाल निरत करन लग पे। देवत्यां ने शिवां दे अगे बेनती कीती कि देखो जी की हो रहा है, तुसी जिंदगी विच बहुत सारे तप कीते हन, इस नूं समझाओ। वो आए कहन लगे भी तू क्यों इस तरह करदा है। वो कहिंदा जी मैं तप दे विच सब तो अगे हाँ, मैं श्रोमणी हाँ, मेरे तन दे विचों पानी निकलिया है, खून नहीं निकलिया गा। शिवा ने भी बड़े तप अभ्यास किए सन, कहिंदे भी शिवा ने आप दे कोई शरीर का हिस्सा चीर के उसनू दिखाया भी आ तू देख सकता है। सिर्फ उसका हंकार रिखी का दूर करने वास्ते ऐसा शिवा ने किया, भई देख प्यारिया हंकारिया सो मारिया। तप अभ्यास का मतलब तो यह है कि आपके अंदर निम्रता आज ही पैदा करिए। तो फरीद साहब की बाणी गौर ना सुनो। हाँ जी समझा दिता। गुरु अमरदेव जी महाराज कहन लगे देखो भी प्यारियो रत तो बगैर तन नहीं हो सकता गा, लेकिन जो प्रभु दे नाल जुड़ जाते हैं अंदरों शब्द दे नाल जुड़ जाते हैं उन्हां दे अंदर लोभ खत्म हो जाता है, वो इस तरह साफ हो जाते हैं जिस तरह अग्नि का सेक सोना तांत पाके शुद्ध हो जाता है। वह परमात्मा के दरबार में अच्छे लगते हैं, सोहने लगते हैं, उत्थे उन्हां दी शोभा हुंदी है। सोई सर्वर कुंडलो
फरीद साहब कहते हैं तुसी ऐसी संगत सोब दे विच जाओ जिथे साड़ी जिंदगी बने, साडा भुलड़ मन परमात्मा की तरफ लगे और असी परमात्मा की भगती कर सकीए। महात्मा सानू कहिंदे है संगत का जबरदस्त असर पैंदा है। असी बुरियां की संगत करते हैं, साडे अंदर बुरियाई पैदा हो जाती है। अच्छे आदमियों की संगत करते हैं, साडे अंदर भी अच्छे गुण आ जाते हैं। सो महात्मा सानू बड़े प्यार नाल कहिंदे है कि एक हंस जिस तरह छप्पड़ दे विच बैठा सीगा, वो उस दे विच चुंझ मारदा है, लेकिन विचो की निकलता है, गारा निकलता है, जाले निकलते हैं। तो फरीद साहब वह दृष्टांत दे के कहिंदे है कि भरावा उस सरोवर ते जा जिथे तेरी खुराक है, जिथे मोती है खाण वास्ते, छप्पड़ जो तेनू की मिलना है। इसे तरह महात्मा सानू कहते हैं कि सानू भी अच्छे पुरुषों की संगत और सोहबत जाके फायदा उठाना चाहिए है और अपने जीवन को सफल बनाना चाहिए है। कहते हैं कि जब तक जवानी सी, वक्त सी परमात्मा की भगती का, जिन्ना चिर जिंदगी सी इस शरीर के अंदर, वह परमात्मा की भगती करके जीवन नूं सफल बनाउणा सीगा। लेकिन जब कबर दे विच पै जांदी है इह देह जाके, फिर उत्थे आसां करदी है कि मैनूं परमात्मा मिले, किस तरह माफ करे जी। प्यार ना कहंदे है देख भाई तेरी दाढ़ी भी चिट्टी होगी, सिर दे वाल भी चिट्टे हो गए है, मुछां तेरियां चिट्टियां हो गईयां हन, लेकिन तेरा जिहड़ा मन है वह अजे भी परमात्मा की तरफ नहीं आउंदा गा, अजे भी रंग रलियां की तरफ ही जांदा है, दुनिया की तरफ ही जांदा है जी। प्यार दे नाल कहंदे है कि देख भाई अगर कोई आदमी कोठे दे उपर चढ़ के दौड़े, वह किन्नी क वाट जावड़ेगा, बस 20-50 फुट ही जाएगा, आखिर अगे जगह ही है नहीं गी। यही हालत साडे वजूद दी है। वह कहन लगे देख प्यारिया, ये दिन तेनू परमात्मा ने गिनती दे दिते है, स्वास तेनू गिनती दे दिते है। आप कहन लगे कि तू इन्हां नू गाफल मन दे आखे लग के खराब ना कर, आखिर दे तो बाद ये तो थोड़े जे सालां दी है, कुछ तो बचपने दे विच लंघ जांदी है, बाकी जवानी दे विच लापरवाही च लंघ जांदी है, बढ़ेपा आ जांदा है, कफ बलगम वगैरह आके घेर लैंदे है, जोड़ां दे दर्द होने शुरू हो जांदे है,
सो आप कहन लगे ये थोड़े चिर की जिंदगी है, कहा तू किथे जाएगा जी। तू इथे दिल लाई बैठा है, मेरा मकान सब तो अच्छा होवे, मेरा मकान उच्चा होवे और पक्के होण, विच अच्छी मीनाकारी होई होवे। कहन लगे अफसोस है कि आखर दे वक्त चाहे कोई राजा है या प्रजा है, किसी भी कौम दा मालिक है, कहन लगे मिट्टी अतोलवी पैनी है और हुण इथे दिल लाया की करेगा। अगर कबर दे अंदर पैना है ता भी सानू पता है के बेहसाब मिट्टी पै जानी है। अगर जे असी जाले जाने है सानू पता है साडी इक राख दी मुठ बन जांदी है जी। सानू चेतावनी दिंदे है कि देखो भाई ये दुनिया दे समान पदार्थ मकान जायदादां इन्हां दे विच आपदे दिल नू ना ला और उस जगह दी इंतजार कर, उस जगह नू तू देख जिथे के तैं मर के जाके रहना है, क्योंकि उत्थे ना माता नाल होगी, ना भैण, ना भरा, ना यार, ना दोस्त, सिर्फ साडे अमल जिहड़े भी असीं करदे हां उह साडे गवाह होणगे। अगे बड़ा खुल के दसणगे कि वह अमल जेडे अमल जो कीते दुनी विच से दरगाह आए कम भराव वो थोड़े कम आउणगे। इस वास्ते आप प्यार दे नाल दसदे है उस जगह थोड़ा कोई संगी साथी नहीं होएगा और साडे अपने ही अमल करतूत साडे संगी साथी होणगे। कहिंदे है जिन्ना कम्मां दे विच कोई गुण नहीं गा उन्हां कम्मां नू छड़ दिओ और तैनू परमात्मा दे दरबार विच शर्मिंदगी ना उठाउणी पवे। महात्मा कहानी सुणाउंदे हुंदे है कि एक कोई वेसवा सी, वो एक कह रही सी आपदी दासी नू कि तू जाके फलाना आदमी अगवाड़ दे विच महले विच मर रहा है, तू देख वो नरकां नू जांदा है या सुरगां नू जांदा है। कोई महात्मा कोल दी नंग रहा सीगा, उन्हें सोचा कि इस लड़की नू इतना क्यों ज्ञान है कि यह स्वर्गां च जांदा है या नरकां च जांदा है, फिर इहदी गोली नू इस तरह का किस तरह का ज्ञान हो सकता है, और सोचा कि निर्णय करना जरूरी है। वो उत्थे बैठ गया, वो गोली गई और दौड़ी दौड़ी आई मालिक नू कहन लगे कि देख वो बंदा स्वर्गां नू गया है। वो कहन लग्या भी बेटी तू मैनू यो दस भी तैनू किवें पता लग्या कि वो बंदा स्वर्गां च गया या नरकां दे विच गया है। वो कहन लगे कि सानू महात्मा तो सुनिया है कि जिसका पिछो जश होवे लोग चंगा कहन वो आदमी अवश्य स्वर्गां नू जांदा है, जेड़े दे मरे तो लोग लाणता पाउण
के चंगा होया ए अत्याचार करदा सी दुख दिंदा सीगा कहन लगे अवश्य नरकां नूं जांदा है। सो इस वास्ते महात्मा फरीद साहब कहिंदे आ कि जिन्हां कम्मां च तुहानूं गुण नहीं फायदा नहीं आप कहन लगे तुसी ओ ना करो ओ करो जिहदे नाल तुहानूं साईं दे दरबार उत्थे मालक दे दरबार विच जाके शर्मिंदगी ना उठाउणी पवे जी। कहिंदे है कि देख भाई तू परमात्मा दी भगती कर सब तो पहला विश्वास कर कि मैं जो कम करदा हां ये ठीक है परमात्मा इस नूं मंजूर करे इस तरह डावा डोल ना हो कदे तक कहना परमात्मा मिलेगा कदे कहना नहीं मिलेगा इस भरम नूं तू दिल दे विचों कढ दे जिन्हां नूं विश्वास हुंदा है वह परमात्मा जरूर उन्हां नूं मिलदा है और उन्हां नूं आपदे घर दे अंदर जगह दिंदा है। हुण कहण लगे दरवेशां नूं लोड़ी है रुखां दी जी रांद परमात्मा दा भगत बनना दरवेश बनना वध तो वध मुश्किल है। कबीर साहब ने कहा सी फकीरा फकीरी दूर है जैसे पेड़ खजूर चढ़ गया ते अमर फल गिर गया ते चकना चूर। कहन लगे दरवेश मालक दे प्यारे किस तरह दे हुंदे है जिस तरह एक रोड दा ढेर हुंदा है कूड़े क्रिकेट दा ढेर हुंदा है उहदे उत्ते जे किसे दी मर्जी है आके अच्छा फल सिट्टे कूड़ा सिट्टे लेकिन वह बुरा नहीं मनाउंदा गा और वह खमोश होके जर लैंदा है। इसे तरह दरखत की मिसाल फरीद साहब ने दिती है कि रुखां दी जी रांद जिस तरह कोई रुख नूं आके कट्टे पानी पावे और या उसदे टीमा इटा मारे लेकिन वह खाण नूं फल ही दिंदा है वह बुरा नहीं किसी का मनाउंदा गा। और हजरत बाहू भी कहिंदे है कि ज्यौंदियां मर रहना होवे तां वेस फकीरां बहिए हू जे कोई सिट्टे गुदड़ कूड़ा वांग अरूड़ी रहिए हू और जे कोई कड्डे गाल ओलांबा जी जी ओनू कहिए हू। ये तां हुण सुनण वाले दी करन वाले दी अपनी मर्जी हुंदी है कि मैं इस नूं किस भाव नाल समझना है किस नाल नहीं समझना गा। इस वास्ते संत दोनों दे नाल ही प्यार करदे है चाहे कोई भाव नाल आवे प्यार ना आवे या अभाव लेके आवे ये तो हुण आपो अपनी दृष्टि हुंदी है आपो अपने दा देखण हुंदा है लेकिन संत दिलों सब दे नाल प्यार मुहब्बत करदे है सब दे अंदरों परमात्मा नूं देखदे है और परमात्मा दे बच्चे समझ के ही वो प्यार करदे है। उहनां दी नज़र दे विच मर्द या औरत अलग अलग नहीं और ना ही उहनां दे दिल अंदर किसी मुल्क दे आदमी दे वास्ते नफरत हुंदी है वो सब दे नाल प्यार करदे है। मालक दे प्यारे इस संसार दे अंदर कोई अपनी सच्चाई पेश करन वास्ते नहीं आउंदे गे बल्कि वह सानू निम्रता प्यार सिखाउण वास्ते आउंदे है। वह ये नहीं कहिंदे कि असीं सच्चे हैं सुच्चे हैं बल्कि वह कहिंदे नहीं भरावो असीं सब तो वध गुनाहगार हैं। कबीर साहब ने कहा सीगा बुरा देखण मैं गया बुरा ना मिलिया को जब देखिया दिल अपना मुझसे बुरा ना को। इहदा मतलब ये नहीं कि कबीर साहब बुरे सीगे
नहीं, वो सानू निम्रता सिखाउंदे है, आजी सिखाउंदे है कि भरावो परमात्मा नू हंकार प्यारा नहीं हुंदा गा, उनू निम्रता प्यारी हुंदी है। साडे सतगुरु महाराज कृपाल कहिंदे हुंदे सीगे कि प्रभु नू मिलना है तो दीनता लेके आओ, क्योंकि सबका सीधा वो मालिक है, सिर्फ ओदे कोले दीनता वो किहदे अगे दीन होवे। इस वास्ते आप फरीद साहब कहिंदे है क्योंकि उन्हां दिनां दे अंदर आम तौर ते जो साधु फकीर बाणा पहनते सन, काला पहनते सन, बाद में पगमा चलिया, चिट्टा चलिया, कई किस्म दे बाणे संसार विच चले है, भेख चले है। तो आप कहिंदे काले मेंढे कपड़े काला मेंढा वेश, गुण ही भरिया मैं फिरां ते लोक कहन दरवेश। लोग मैनू फकीर तां कहिंदे है पर मैनू बड़ी शर्म आउंदी है कि मेरे अंदर कई ऊंताइयां हन। इस वास्ते आप दसदे है गुरु नानक भी कहिंदे है जप तप संजम धर्म ना कमाया, सेवा साधना जानिया हर राया, कहो नानक हम नीच करमा, शरण पड़े की राखो शर्मा। अगर सेवक की जिंदगी बनाने वाला है तो उहदा गुरु है, जब तक भी वह देह दे विच बैठा है वह कदे भी ये हंकार नहीं करता कि मैं पढ़िया है या मैं किसी हुनर का मालिक है, और या वह आके कहे कि मैं कोई कमाई वाला है या कोई करामात रखता हाँ। वो हमेशा ही आपके दिल के अंदर निमत निम्रता और प्यार रखता है। एक बड़ी अच्छी मिसाल दे के दस दे है कि जिस तरह खेती सुक जावे सड़ जावे, उसनु बेशक तुसी जितना पानी दे विच खड़ी भी कर दे वो फिर हरियावल नहीं लियांदी, और फिर उस दे विचों कोई अच्छे हरे पत्ते नहीं निकल दे गे क्योंकि वो सड़ चुकी है। बेशक उन पानी दे विच खड़ी कर दो। इसे तरह आप प्यार दे नाल कहिंदे है कि जो सत्संग दे विच आके आत्मा समझ नहीं सकदेगी, कहन लगे बाद में सानू चुरना पैंदा है, चुरेंदी चुरे, कहन लगे वो आत्मा फिर पिछो चरदी है, चुरदी है कि ओहो मैं आपदे जिंदगी नू क्यों बर्बाद कर लिया, क्यों ना संता महात्मा दा कहना मन के शब्द नाम दी कमाई कीती, भेड़े पासे मन नू मोड़ के क्यों ना चंगे पासे मैं ला लिया। जी मर्द का सवाल नहीं गा, जिन्ना चिर असी कुआरे हैं उन्ना चिर सानू चौ हुंदा है साड़ी शादी होवे किस तरह होवे। जब शादी हो जाती है बाल बच्चे आ जाते हैं और उन्हां दा खर्चा चलाने वास्ते कई दफा कष्ट भी आते हैं, उन्हां दी पढ़ाई रिश्ते नाते करने हैं, लेकिन फिर कई दफा इंसान ये भी सोचता है कि इस तरह पता हुंदा मैं शादी ना कराऊंगा, लेकिन वह हुण जिहड़ा टाइम सी वह हाथ दे विचों निकल गया है। तो संत महात्मा सानू कमजोरी की यह सलाह नहीं दिंदे हुंदे गे, वह कहिंदे है कि देखो बई हुण जो कुछ तुसी कर लिया, गृहस्थ आश्रम दे विच पैर धर लिया है, जो भी तुहानू जिम्मेवारी दिती है उस परमात्मा ने जां तुसी खुशी होकर उठाई है उसनू हुण तुसी निभाओ, घबराओ नहीं। इसे तरह जब सेवक नू नाम मिलता है उदे दिल दे विच एक ख्याल हुंदा है कि मैं किवें ना किवें आपदी आत्मा नू मन इंद्रिया दे घाट तो उपर ले जाके शब्द दे नाल जोड़ा, कद मेरा पर्दा खुले, कद मैं उस गुरु दे
उस प्रकाश दे नूर दे दर्शन करा। जब वो प्यार मुहब्बत दे नाल अपने ख्याल नू अकागर करदा है, तीसरे तल ते पहुंचदा है, वो परमात्मा बेइंसाफ नहीं हुंदा गा, वो पर्दा खोल दिंदा है। सानू पता ही है कि जब पर्दा खुल जांदा है फिर बहुत सारे काम वो परमात्मा इस नू सौंप दिंदा है कि किस तरह तू जाके होर भी जिहड़ियां आत्मा मेरे नाल जुड़ियां ने उन्हां नू जाके जोड़। लेकिन वो जिहड़ा संदेश फिर उन्हां नू देना पैंदा है वो सब नालों वध मुश्किल हुंदा है। कबीर साहब कहिंदे है, राम बलावा भेजिया दया कबीरा रोए। वो कहण लगे सानू बुलाउण वास्ते तां भेजिया पर संसार विच संदेश रो के दुख उठा के देना पिया। थानू कबीर साहब दी इशी दा पता ही है कि कितने कितने उन्हां लोगों ने उन्हां दुख दिते, कष्ट दिते। सो इस वास्ते फिर उदो पछताउंदा है कि जिहनू नाम दिंदा है वो सब नू तारदा है। मैं एवें इतना अभ्यास या मैं इस तरह कीता जे मैनू ये पता हुंदा कि यह संदेश किन्ना मुश्किल है। सो इस वास्ते फिर की बनता है, क्योंकि गुरु नानक कहिंदे है कि जिहनू एक बार वह कलावे दे विच लै लैंदा है उसनू वो विछोड़दा नहीं गा। एक हंस की मिसाल दे के कहिंदे है कि वह छप्पड़ ते आ बैठा, उहदे विच्चों आपदी खुराक पालन लग्या मोती, लेकिन जाला और उहदे विच चिक्कड़ सीगा। आप कहण लगे दूजी दफा उहदे अंदरों अंदरी दिल दे विच ख्याल होया कि मैं उड़ जावां, हुण इहदे विच चुंझ ना पावां। इसे तरह मालक दे प्यारे इह संसार दे विच आउंदे है। वह हंस जिस तरह कोदरे दे खेत विच जाके बैठ गया सीगा, जिमीदार लठ लेके आए कि इस नू मारिए, लेकिन उन्हां जिमीदारां नू इह नहीं पता सीगा कि जिहड़ा हंस है इह कोदरा नहीं खांदा गा, इहदी इह खुराक नहीं। इसे तरह मालक दे प्यारे इह संसार विच आउंदे है और उह सानू प्यार सिखाउण वास्ते आउंदे है, मुहब्बत सिखाउण वास्ते आउंदे है। लेकिन असीं लोक उन्हां दे उदाले हो जांदे हैं कि तुसी सानू ऐसा क्यों कहने हो, लेकिन यह नहीं पता सानू कि संत महात्मा किसी भी जायदाद दे उत्ते कब्जा करन वास्ते नहीं आउंदे गे, बल्कि वह तो चार दिन कट्टन वास्ते आउंदे है। मुसाफिर की तरह वह रहिंदे है कि पता नहीं किहड़े वेले परमात्मा की आवाज़ पै जानी है और साह उपर गया, पता नहीं आना है या नहीं आना गा। इस वास्ते लोगों नू पता नहीं हुंदा गा कि इत्थे महात्मा किन्ना चिर रहेगा। पंजाब दे अंदर पिंड संगू वाला है, उत्थे वो काफी पिंड पुराना है, कुछ उत्थे किले दे निशान खड़े हुए है। मैं उस पिंड दे अंदर सत्संग देण वास्ते गया, उन्हां नू पुछया कि भई आ किले जैसे निशान क्यों खड़े है, की गल है और धरती बे आवाद है। उन्हां लोकां ने दस्या, मैं तुहानू सुनी बात दसदा कि इत्थे अज तो 200 साल पहला एक साधु सीगा, वो आपका तप अभ्यास करता हुंदा सीगा। लेकिन पिंड दे लोकां ने कहा भी असी किला बनाउणा है और तू भई पासे हो जा, क्योंकि उन्हां दिनां दे अंदर आम लोग ताड़ां पाउंदे सी, छोटे मोटे लुट लैंदे सीगे। जिथों पिंडां दा रवाज चलिया कि कट्ठे होके रहना चाहीदा है जां कट्ठे होके बरात वगैरह जानी है, ये उस वक्त दा ही है, अज रीति रिवाज बन चुकिया है। इस वास्ते वो कहण लग्या कि तुसी थोड़ी जी कंध पिछे कर लो, की हर्ज है। वो कहण लगे भी तू इस धरती का मालक है। वो कहण लग्या नहीं भी मैं मालक तो नहीं, पर जे तुसी पिछे हट जाओ। और बथेरिया उस साधु ने मिन्नतां कीतियां, लेकिन उन्होंने उस साधु नूं के बलदां दे मगर पा लिया, सारा दिन उसनूं खिंचिया, आखिर मौत हो गई। साधु ने तो की बददुआ देनी सी, उन्हें यही कहा भी इत्थे तुहाडा भी प्यार रहना है, ये भी प्यार रहना है,
और लेकिन कुदरत जिहड़ी है वह हर व्यक्ति का जो कुछ असी करते हैं साथ साथ दे नाल उहदा हिसाब किताब जरूर देना पैंदा है लैंदी है। वो कहिंदे कि उस वक्त दे अठे घर इत्थे रहे है, अठा तो नौवां कदे नहीं होयागा। और ये मैं खुद अखां नाल देखिया कि वाकई उत्थे अठ ही घर है। वह कहन लगे कि कोई मालक की मौज है, इहदे वध कदे इत्थे वादा नहीं होयागा। तो कहन दा भाव मेरा यह है कि सानू लोकां नूं इह नहीं पता जिस तरह वह जट कोदरे दे खेत दे विच हंस नूं दे के लठां लैके चले गए सीगे, लेकिन उन्हां नूं मालूम नहीं सीगा, पता नहीं सीगा कि इह इत्थे जायदाद इह खाण वास्ते नहीं आया। यही हालत महात्मा की है। सो आप प्यार दे नाल कहिंदे आ कि उन्हां नूं पता नहीं सीगा जी। बड़े बड़े इस दुनिया के मालक बहुत बड़े बड़े किले डूंगिया नीवा रख के उसार के चले गए है, असी भी इतो खाली हथ चले जाना है। नामदेव जी अपनी बाणी च लिखते है, मेरी मेरी कैरों कर दे दर जोधन से भाई, बारह जोजन छत्र चुला था देही गर्जन खाई, सर्व सोने की लंका होती रावण से अधकाई, कहां पे दल बांधे हाथी खिनवे पई पर आई जी। कहते हैं देख भी प्यारिया, अच्छे रेशमी मखबल के गदैलिया की बजाए सराने इट मिल जाएगी, कीड़े मास नू तोड़ के खाणगे, और किसी ने तेनू सुते नू उठाउणा नहीं, पता नहीं कबर दे विच कितना वक्त लंघ जाएगा। कबीर साहब कहते हैं, जा जरे आता होए पसम दल पसम तन रहे किरम दल खाई, अगर साडी देह नूं जलाउंदे है तो कहण लगे इह जल के राख हो जांदा है, अगर कवर दे विच रखदे है तो कीड़े बेहिसाब ही शरीर नूं तोड़ तोड़ के थोड़े चिर च खा जांदे है। यही फरीद साहब कह रहे हैं कि भरावा सराणे नूं इट मिलेगी, सौं नूं जमीन मिलेगी, और किसी ने तेनू उठाउणा नहीं गा, पासा नहीं दबाउणा गा, पता नहीं किन्ने जो उस कवर दे विच रहना पएगा। बड़ी अच्छी है, खूबसूरत है, और सब इतना प्यार करते हैं, श्वासा रूपी लद जिहड़ी है वो अंदर चल रही है, लेकिन इस लद ने एक दिन टूट जाना है, और
पता नहीं अजराइल फरिश्ता जेड़ा मौत का देवता है वह किदे करे प्रौणा बन के आ जाता है, किसी नूं लैण वास्ते आ जाता है, उहदे वास्ते किसी का जोर नहीं गा। इस वास्ते आप कहिंदे आ कि श्वासा रूपी जिहड़ी लज है ये टुट जानी है, ये एडी खूबसूरत जिहड़ी सानू देह परमात्मा ने दिती है इहदे विचों सानू पता ही है कि अखां इसे तरह देखण नूं हुंदियां हन, लेकिन ये रोशनी खत्म हो जाती है, असीं इहनां नूं हेठ या उपर नहीं कर सकते, हिला नहीं सकते गे, जवान जी मूंह दे विच ही है, लेकिन ऐसे बचन नहीं बोलदी गई जिस तरह आप हुण बोलदे हैं। इसे तरह लत्तां भी शरीर दे विच हुंदियां हन, लेकिन हरकत दे विच नहीं आ सकते गे, जिन्ना चिर वह परमात्मा आपके श्वासा रूपी लद जिहड़ी है इस दे अंदर वह हरकत दे विच ना लियावे। इस वास्ते आप प्यार नाल कहिंदे आ कि जिस परमात्मा ने सानू इन्नी दया करके सुंदर स्वरूप दिता है, अगर आपां अख चली जावे तो अख मुल नूं आपां उहो जी नहीं प्राप्त कर सकते, लत चली जांदी है। बेशक अज दे युग दे विच लोक लत्तां लाउंदे हन, लेकिन उस जैसी पहले जैसी लत बिल्कुल नहीं हुंदी गी। इसे तरह ही हथ चलिया जावे, असी कुदरत दे जैसा हथ नहीं विकास उहो जिहा प्राप्त कर सकते। मैं कई प्रेमियां दीआं सुणियां अखां बन गईआं, ऑपरेशन हो गया, जे उहनां नूं पुछणा क्यों भई अच्छी निगाह बनी है, उन्होंने ये कहना हाँ बहुत अच्छी है, साफ दीद है, दूर तक देख लेने हैं। जब मेरे भी ऑपरेशन होया दोनों अखा का, लेकिन जैसा पहला साफ दीदा सी जो दिसिया ना, मैं उस डॉक्टर दे अगे बेनती की जी ऊं तो दूर तक दीदा है लेकिन साफ नहीं गा। वो तो डॉक्टर वड्डा बड़ा सियाणा सीगा, वो कहिंदा भी महाराज जी जैसी नज़र तुहानू कुदरत दी सीगी उसी नज़र नहीं होएगी, डंग लाउण वाली है। इसे तरह महात्मा सानू प्यार नाल कहिंदे आ, देखो भी प्यारे हो परमात्मा ने तुहाडे उत्ते किन्नी मेहर करके कैसा सुंदर स्वरूप दिता है, वो परमात्मा दे होण करके वो लज अंदर चलण करके श्वासां दी माता पिता भैण भरा यार दोस्त सब साडा आदर करदे है, लेकिन जद श्वासां रूपी लज हरकत दे विच नहीं आउंदी गी, अंदर चालू नहीं हुंदी गी, सानू कोई भी नहीं रखदा, कोई कौड़ी मुल देण वास्ते भी तैयार नहीं। कबीर साहब कहिंदे है तन ते प्राण होत जब न्यारे, टेरत प्रेत पकार, आदि कड़ी को ना राखत, करते देण नकार। जी रूपी लज टुट जाती है, केड़े सजना दा धरती ते पार है कि जेड़े सारा दिन मैं करदे है, परमात्मा दी भगती नहीं करदे गे और नेक किसी नूं सलाह नहीं दे सकदे, खुद नहीं नेक सलाह ग्रहण कर सकदे। कहन लगे कि कबीर साहब ने कहा सी जो प्रभ किए भगत ते वाहज तिन ते सदा डराने रहीए, उही जीव धरती नूं भारे हुंदे है, धरती नूं उन्हां ही लोकां दा बोझा हुंदा है। इस वास्ते आप कहन लगे कि संसार दे विच्चों नेक आदमियां ने भी चले जाना है, उन्हां बुरियां ने भी चले जाना है, लेकिन अगे जाके दोनां दा ही फर्क पैंदा है। एक नूं परमात्मा दे घर विच शोभा मिलदी है, एक उत्थे लानतां रूपी नहोरियां नूं सहिंदा है। जी जो सजन कोई पार थी जी वक्त मसीता।
नाल कहंदे आ के देख भाई तू कदे मसीद दे अंदर कदे आया है, मसीद कह लो, मंदिर कह लो, गुरुद्वारा कह लो, जितने भी असी धर्म स्थान प्रेम प्यार ना बनाए है, सब दे बनाउन दा इतना ही परवज है, मकसद है कि असी उत्थे जाके जो कुछ सुनते हैं उस ते अमल करिए, ओदी पवित्रता रखिए। उत्थे जाके महात्मा ने वो इस वास्ते बनाए है कि असी घरां दे कारोबार करके थोड़ा बहुत चिर जाके उत्थे परमात्मा की भगती करिए, अभ्यास करिए। तो आप प्यार दे नाल कहिंदे है कि ये सिर्फ साढ़े रीति रिवाज वास्ते नहीं बनाए सीगे, ये अपने आप नूं सुधारन वास्ते बनाए है। हुण उस बंदे नूं फिर सब कहिंदे आ देख ही प्यारिया तू कदे मसीद दे अंदर दाखिल होया, कदे अपनी मसीद मंदिर दी कदे तां सफाई कन्ने ख्याल कीता, और मुसलमाना दे अंदर पंज वक्त मसीद दे विच आउणा जरूरी है और पंज नमाजां पढ़निया भी जरूरी हन। और गुरु नानक देव जी महाराज कहिंदे आ पंज नमाजां वक्त पंज पंजे पंजा नौ, पहला सारिआं नालों निजत नूं साफ करना, दिल नूं शांत करना, हक हलाल दी रोजी रोटी खानी, और दिल मोम बनाउणा, और सर्ब जीआं दे उत्ते दया करनी, शांत सुभा रखना, यही तस्वीर है फेरन वाली। सो महात्मा ने प्यार दे नाल दस्या कि यह तेरे वास्ते गल शोभा नहीं पाउंदीगी, तू इंसान है जिस परमात्मा ने पैदा किया है, तू ओदी भी भगती कर, ओदी भी तू बंदगी कर जी। ਸਾਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਦੇਖੋ ਵੀ ਪਿਆਰਿਓ, ਸੁਭਾ ਉੱਠੋ, ਅਗਰ ਪੂਰਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਗਾ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜ ਇਸ਼ਨਾਨਾ ਕਰੋ, ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੰਜ ਇਸ਼ਨਾਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ, ਔਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਲੋਕ ਉਸਨੂੰ ਉਜੂ ਕਰਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਤੂੰ ਸੁਭਾ ਉੱਠ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ, ਔਰ ਤੂੰ ਮਾਲਕ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾ ਔਰ ਮਾਲਕ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰ, और जेड़ा सिर उस वेले परमात्मा नूं नहीं न्योंदा, परमात्मा की भगती नहीं करता गा, फरीद साहब कहिंदे आ उस सिर कट देना चाहीदा है, उस सिर का की फायदा है जेड़ा उस परमात्मा दे अगे भी नहीं न्योंदा उस वेले। सो इस वास्ते आप कहिंदे आ उस वेले देखो जेड़े पशु पंछी है वह भी आपो अपनी बोलियां दे अंदर बागां दे विच या जंगलां दे विच कुछ ना कुछ बोल रहे होंगे है। आप कहिंदे आ मैं उन्हां पंखियां दे भी बलिहार जाना है जिन्हां दे जंगल दे विच वास है, जेडे सर्दी गर्मी तो कोई खास बचा नहीं कर सकते गे, चखड़ां च मारे जाते हैं, लेकिन रब ना छोड़न पास वो भी आपो अपनी बोली दे विच उस परमात्मा नूं याद करते हैं जी। जो सिर साईं नाने किसे नूं इह तर्क नहीं मारदे, अपने आप नूं ही आप कहिंदे है कि जिहड़ा सिर उस वेले परमात्मा दी भगती च परमात्मा दे प्यार विच नहीं न्योंदा नहीं भगती करदा, कहिण लगे उस नूं कट के थले अग जला देवे, क्योंकि मुसलमाना दे अंदर जलाउण तो उह चिड़दे है। इस वास्ते आप उस जाति दे विच हुंदा होया भी इह लिहाज नहीं रख रिहा के भई नहीं जलाउणा चाहीदा, लेकिन आप नूं तां सुधार कन्नी आपदे कन्नी ख्याल है के परमात्मा की भक्ति करनी कितनी जरूरी है। जलाई है
जरा तू ठंडे दिल ना सोच के देख ले, तू कुड़दा मान करदा है कि साड़ी कुली उची है, बाकी जड़े है वो नीने है। कहन लगे तू जरा सोच के देख ले, तेरे माता पिता वो किथे है, वो भी आखर इत पैदा होए सन, तेरे को चल गए है, तुर गए है, तेन जाते हुए दस के नहीं गए कि असी किथे जाना है। मैं दसदा हूं कि जब मौत आती है घर के पिता मां के नाल सलाह, पुत्र मां के नाल सलाह नहीं कर सकता गा, पिता पुत के नाल सलाह नहीं कर सकता गा, और ना कोई किसी नूं दस के जांदा है। आपो अपने रस्ते वक्त आया असी पै जाने हैं। फरीद साहब कहिंदे है कि देख बई मौत आती है, असी जाके उन्हूं चुक के शमशान भूमि च ले जाने हैं, सारे कंधा भी दिने हैं, लेकिन फिर भुल जाने हैं कि एक दिन साडे नाल भी ऐसा होएगा। असी सोचते हैं कि मौत लोगों वास्ते है, साढ़े वास्ते तो शायद ऐसा वक्त ना ही आए। यही फरीद साहब कहते हैं, भरावा तेरे माता पिता कित्थे है, और जिन्होंने तेन पैदा किया सी वो तेरे को चले गए है, तेरे दिल नूं अजे भी कोई ठोकर नहीं लगी कि मैं भी भगती करा और मैं भी परमात्मा दी दा प्यारा बना। कहिंदे है किसी ने आके सवाल किया कि महाराज जी सानू परमात्मा दे पाउण दा तुसी उपदेश दिओ, वो साधन दसो कि असी मिलिए और किस तरह मिलिया जा सकता है। वह कहन लगा देख भी सब तो पहला मन का जो मैदान है उसनू तू साफ कर, जो भी अंदर काम क्रोध लोभ मोह हंकार अंदर डेरा लाई बैठे है, बड़े बड़े गढ़ उसारी बैठे है, तेरा पिछा नहीं छड़ दे गए, तू उन्हां कनी पिठ कर ले, फिर तेन जिहड़ी दोजक दी अग है वह चलनी नहीं पएगी जी। देख भी फरीद खिलकत उस परमात्मा विच वसदी है, परमात्मा खिलकत दे विच वसदा है, किनू असी बुरा कहिए, किदे नाल नफरत करिए, जद उस परमात्मा तो बगैर यह संसार रह ही नहीं सकता कायम। इस वास्ते आप कहिंदे किसे नू बुरा कहना, किसे कौम नाल नफरत करनी या किसे समाज ना नफरत करनी, कहन लगे भी सोच के देख लो ये परमात्मा नाल ही असी नफरत कर रहे हैं, क्योंकि परमात्मा सब दे विच बैठा है। सो सानू भी चाहिदा है महात्मा दी बाणी दे उत्ते प्यार ना सुनिए, इनू समझिए ठंडे दिल दे नाल किहदे नाल नफरत करनी है, पता नहीं कै दिन नूं उस काल ले आवाज मार लेनी है, कित्थों सद लेना है। सो इस वास्ते आप कहिंदे है कि महात्मा सानू प्यार ना दसदे है
कि वह खिलकत दे विच वसदा है, खिलकत उहदे विच वसदी है और असी वह परमात्मा की खिलकत समझ के सब नाल प्यार करना है। मंदा किसन